तुम फाइनल में हो, अब तुम फाइनल में हो, फाइनल की एग्जाम दी, रोज पेपर में वो लेडी तुम्हारे लिए खाना बना रही है, खाना बना के आके तुम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हो और पूरी मेहनत लगा करके अपनी एग्जाम देते हो फाइनल के अंदर में। जब अपनी पूरी मेहनत लगा करके अपनी एग्जाम देते हो, तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, एग्जाम देते ही तुम अलग टेंशन में हो कि पास होगा या नहीं, और तुम्हारे माँ बाप फिर उसी टेंशन में है, कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा नहीं टूटना चाहिए। रिजल्ट की ये रात है, 3.5 साल की मेहनत तुम्हारी आज शायद सक्सेसफुल होने वाली है। रिजल्ट की रात नींद नहीं आ रही, वो जो तीसरा दोस्त है ना तुम्हारा, उसका मैसेज आया, आई ऑल द बेस्ट, तेरा क्या है, तू पास हो जाएगा, टेंशन मत ले, तू तो रैंक में पागल। खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही तुम्हारी क्योंकि कल रिजल्ट आ रहा है। तुम सो नहीं रहे हो, विजय सर का यूट्यूब, विजय सर का इंस्टा, कहीं रिजल्ट के बारे में कुछ आ रहा है क्या? सो तो खैर तुम भी नहीं रहे और तुम्हारे माँ बाप भी नहीं सो रहे। जरा मम्मी पापा का कमरा इमेजिन तो करो, वहां चल क्या रहा होगा? तुम ये सोच रहे हो कि फेल हो गया तो क्या होगा, वो ये सोच रहे कि हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। फिर वही बात, अगर ये फेल हो गया तो बोलना क्या है? कल सुबह नाश्ते के लिए मम्मी ने तैयारी करके रखी है, तुम्हारा फेवरेट बनने वाला है। कल सुबह शायद आज रिजल्ट के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा या तो 6 महीने फिर लाइब्रेरी। तुम्हारा दोस्त फोन करता है, भाई रिजल्ट लग गया। तुम बोलते हो ओके, वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, एरर 404, साला कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा जीवन में, क्योंकि ना 4.5 साल ना मेहनत करी है तुमने, नहीं वो बूढ़ी औरत बूढ़े आदमी ने। तुमको बार बार पप्पा फोन कर रहे, आया क्या रिजल्ट? तुम बोल रहे नहीं। फिर एक बार इंटरनेट को यूज किया, रिजल्ट्स डॉट निक डॉट इन लोड हुई वेबसाइट, CA फाइनल न्यू सिलेबस क्लिक। तुमने अपना रोल नंबर डाला, स्पेशल कैप्चा कोड डाला, शायद आखिरी बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो जीवन में। एंटर्ड, जामुनी कलर का एक स्क्रीन ओपन हुआ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हल्का सा नीचे किया तुमने कर्सर, तुम्हारा नाम, तुम डायरेक्ट नीचे गए, पास या फेल? मां कसम पास, इतनी जोर से चिल्लाया देख तूने, इतनी जोर से। 1 मिनट पीछे तो पलट, वो औरत फिर रो रही है। आपने इतने जोर से हक किया अपने मम्मी को, उछल के कूद के ऐसा जोर से हक, दौड़ते दौड़ते पप्पा आ गए, आपने पप्पा को प्रणाम किया, जोर से पप्पा ने गले लगा लिया। लड़के के लिए तो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, एक लड़के के लिए जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, अबे बाप गले लगा रहा है, ऐसा जोर से ऐसा टाइट करके तेरे को पीछे दो हाथ मारा। तूने काम कर दिया भाई, काम कर दिया। उधर देख दादा दादी को, वो अलग लेवल पे रो रहे, भगवान जी को पैसे चढ़ाया उनने, क्यों चढ़ाया? इसलिए नहीं तुम पास हो गए, इसलिए कि अब शायद इस परिवार की कठिनाई दूर होगी। पूरे फैमिली ग्रुप के ऊपर मैसेज आ रहे, कॉन्ग्रेचुलेशंस CA साहब,
सीएस साहब, सीएमए साहब, पूरे के पूरे मैसेज, ये वो लोग थे जो कभी नहीं चाहते थे तुम कुछ बन जाओ, पर इनकी सबकी बैंड बजा दी तुमने। बापू ने बोल दिया ऑफिस में, दुकान में, मैं आज नहीं आ रहा, मैं आज नहीं आ रहा, क्योंकि ये मोमेंट को ना वो जीवन भर जीना चाहता था, ये उसका सपना था जो साला तुमने पूरा कर दिया। वो पता है खाना बनाए जो तुम्हारा, तुम्हें भूख ही नहीं लग रही और माँ चाहती है कि तुम आज खा लो, क्योंकि तुम दिन भर मिलने नहीं वाले उस औरत को वापस। मम्मी बोलती है जिधर जाना है बाद में जा, पहले खाना खा। तुम साला रैंक में आए हो, जिस टीचर को आज तक के वीडियो में देखते थे ना, वो टीचर फोन कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना फोटो भेज, मेरे को रैंकर्स पोस्ट बनाना है। तुम डिसाइड करते हो अब मैं सबकी एक करके रहूंगा, सारे बदले निकलेंगे। आसपास में जो दोस्त बैठे थे ये सारे मिलकर के डिसाइड करते हैं, लेट्स ओपन अप अ फर्म, लेट्स ओपन अप अ फर्म। और हर एक ने अपने घर पे सीक्रेट रखा था, समहाउ यू मैनेज द मनी एंड टुक दैट प्रिमाइसेस ऑन रेंट। वहां पे फर्नीचर डाला और तुम अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि कल सुबह कहीं चलना है, मम्मी मैं नहीं आ रही कहीं पे भी। वो लेडी तो पैदा ही इसके लिए हुई है कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर ले। पप्पा क्या काम है बता पहले, फिर डिसाइड करूंगा आना कि नहीं आना। आप बोलते हो कुछ भी हो जाए कल चलना है। तुम आज सबसे पहले उठे हो, मम्मी पापा से भी पहले। वो बच्चा जो कभी दिवाली के फटाकों के लिए, कभी होली के कलर के लिए एक्साइटेड था, आज अपने मम्मी पापा के जीवन में कलर के लिए एक्साइटेड है। आप बोलते हो अच्छे कपड़े पहनो, पप्पा वही, क्योंकि उस आदमी ने तो इतने दिन से कपड़े ही नहीं लिए। मम्मी ने वही घर वाली साड़ी पहन ली वापस, घर वाले ड्रेस पहन लिए। तुम बोलते हो अरे पागल हो गए क्या, जीवन में मैं बोल रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है। मम्मी तुम्हें छेड़ते हुए पूछती है किससे मिला रहा है साला, तुम बोल भी नहीं पाते सपने से मिला रहा हूं। तुम बोलते बस तैयार हो जाओ, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ओला, ऑटो, कैब, जो है तैयार करते हो और जहां तुमने ऑफिस डिसाइड किया है ना वहां लेके जाते हो। जैसे ही पहुंचते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स, एक शॉप है, वहां पे ना बाहर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को देख व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में लिखा हुआ CA.CS.CMA. देख तेरा नाम दिख रहा है बड़े अक्षर में, देख तेरा नाम दिख रहा है, बाजू में CA का लोगो, तेरे नाम में तूने पप्पा का नाम भी लिख रखा है, नीचे फोन नंबर। एंड पप्पा देखते ही रो दिए, ये लाइफ का पहला मोमेंट है जब बाप रो दिया। एंड मम्मी भी लाइक ये कब हो गया, ये तो था ही नहीं, ये कैसे किया। एंड आपने सिर्फ इतनी बात कही, आप चलो तो फिर बताता हूं। जैसे तुम वो आगे बढ़ते, तुमने उन्हें सरप्राइज किया है, पप्पा मम्मी के जितने दोस्त हैं सब आए हैं, तुम्हारे जितने रिलेटिव हैं सब आए हैं, बस तुमने मम्मी पप्पा को नहीं बताया था ऐसा कुछ हुआ। आए ऑफिस का गेट देख, इमेजिन कर, बाहर वाइट पिंक कलर के बलून्स लगे हुए हैं, एक रेड कलर का रिबन लगा हुआ है, एक पूजा की थाली रेडी है दोस्तों द्वारा तैयार की हुई। मम्मी इस पप्पा सामने आके खड़े होते, दादा दादी बाजू में खड़े होते,
और तुम बोलते हो कैची उठाई तुमने, मम्मी पापा के हाथ में दी, दादा दादी के हाथ में दी, नाना नानी के हाथ में दी, बोला करो ओपन। उन्होंने कहा पागल है क्या, तू ओपन कर, चला इधर आ, हाथ पकड़। आपने बोला नहीं, ये आपकी मेहनत है। सामने फोटोग्राफर है, ये लोग जीवन में आगे जिंदा बचेंगे कि नहीं पता नहीं, पर ये फोटो एज अ मेमोरी तुम जीवन भर रखना चाहोगे। एक ड्रोन कैमरा घूम रहा है इस पूरे मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। सारे दोस्त जोर से ताली बजा रहे हैं, बोल रहे भाई पार्टी चाहिए, भाई पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। तुम बोल रहे हो रुको बे, ये मोमेंट कहाँ आना है। बहन और छोटे भाई को तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुमने जीवन में ये किया है। उन्होंने कैची उठाई, सबने हाथ मिलाया, रिबन कट। पप्पा पहला पैर रखने ही जा रहे थे, मम्मी राइट पैर रखो। राइट पैर रख के अंदर आते हैं, तुम्हारा एक केबिन छोटा बड़ा कुछ मायने नहीं रखता। पप्पा हर माइन्यूट डिटेल को देख रहे और हर चीज का वो आदमी प्राइस पूछ रहा। तुमने बताया पंखे का प्राइस 2600, अरे मेरे को बोलता ना पागल, अपना दोस्त का ही है, फोकट में लगा के देता। आप पप्पा को ऐसा जोर से पकड़ते हो, पप्पा चिल, मैं हूं, अब मैं हूं। तुम अंदर एक केबिन में लेके जाते हो, उस केबिन के बाहर पता है क्या लिखा है, एक बोर्ड लगा है, कांच का केबिन है, मस्त बाहर बोर्ड लगा है, सीए आइला, ये तो तेरा नाम है। जैसे ही केबिन ओपन किया, सबसे पहले पप्पा अपना फोन निकालते और तुमको देते, ले वाला मेरी फोटो खींच वाला इस नाम के साथ। इमेजिन तुम्हारा बापू तुम ही फोटो खींच रहे नाम के साथ केबिन वाले। फिर बोलते इधर इधर तू भी आ फोटो खींच। जैसे ही केबिन ओपन किया, वाइट लश टेबल, जबरदस्त एसी, लैपटॉप्स वैपटॉप्स रखा हुआ। तुम अपने पप्पा को अंदर लेके जाते हो और वो जो मेन चेयर है ना वहां पे बैठाते हो, बोलते आओ पप्पा बैठो। पापा बोलते नहीं 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 मैं नहीं बैठ रहा, वो तेरी चेयर है, बैठ तू वहां पे। आप बोलते अरे पप्पा बैठू ना, आपकी चेयर है, मैं तो बैठूंगा ही। पापा नहीं नहीं मैं नहीं बोलता। इतने में मम्मी सामने आ गई, उनको बाजू हटा के, तुमको बैठना है बैठो, मैं तो मेरे बच्चे की चेयर पे बैठ रही, मैंने तो ABCD सिखाया इसको। मम्मी बैठी है, फोटोग्राफर ने आकर के तुरंत एक फोटो लिया। मम्मी आपकी सीट पे बैठी है और सामने आपका बोर्ड लगा है। फिर मम्मी ने पापा को डांटा, ऐसा क्या कर रहे हो, बोल रहा है इतना बैठो ना चुपचाप, जबरदस्ती की हुशियारी मारते रहेंगे, बैठो चुपचाप बोल रहा है तो। मम्मी हटी और पप्पा आ करके उस चेयर पे बैठे हैं। पता है वो सीन देख के तुम्हें क्या लग रहा है, साला इतने साल बाद ना ये बूढ़ा आदमी शांति से बैठा है, ये प्राइसलेस मोमेंट है, कितना भी पैसा मिल गया नहीं खरीद सकते ये मोमेंट को। वो ऐसा टेबल को हाथ लगा के देख रहे, कंप्यूटर को हाथ लगा के देख रहे, आगे पीछे ऊपर नीचे देख रहे। एक बुक उठाई उनने इनकम टैक्स की, ये इतनी बड़ी बुक पढ़नी पड़ती, और आप सिर्फ हंस दिए। पप्पा को लाके आपने मिठाई का डब्बा दिया, ये मिठाई वो है जो मम्मी पप्पा की फेवरेट है, क्योंकि अब तक तुम्हारा फेवरेट चीज बनी थी। तुम पप्पा को खिलाने गए, पप्पा ने तुम्हें खिला दिया। पप्पा बोले फोटो ले, पप्पा के दोस्त आए हैं, पहली बार तुम्हारी पीठ थपथपाई, अरे वाह बेटा वाह, ये हमेशा कहता था, आज तूने प्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया बेटा, बहुत बढ़िया काम किया। तुम उसी दिन कमाए हुआ अपना पहला चेक अपने मम्मी पापा के हाथ में रखते हो और बोलते हो ये मेरी पहली कमाई। वो आदमी और औरत के ना हाथ कांप रहे हैं ये चेक को पकड़ते हुए, उसमें पैसा कितना लिखा हुआ है इररिलेवेंट, और दोनों के ना ऐसे हाथ कांप रहे हैं उस चेक को पकड़ते हुए। और तुम कहते हो
जितने लोग आए हैं सब खाना खा के जाना, सब खाना खा रहे, सब तुम्हारी बात कर रहे, लेकिन दो आंखें ना तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे मम्मी और पापा, और उसके अंदर ना एक अलग चमक है आज के दिन, क्योंकि माँ की ब्यूटी निकल के बाहर आई है और बाप का प्राउड निकल के बाहर आया है। वो बोल नहीं रहा आदमी, उन दोनों के जितना शांत आज कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सफलता ने शोर मचाया है, तुम्हारी सफलता ने शोर मचाया है। आखिर चाहिए क्या इस दोनों बूढ़े बूढ़ी औरत को? हाँ तुम पैसे दोगे ये उनको चाहिए, पर अब करेंगे क्या इस उम्र में पैसे का? रिलेटिव आकर के इतना ही कह रहे हैं ना, भाई नाम रोशन कर दिया तुम्हारे बच्चे ने, तो इतने में तो उनने करोड़ों अरबों रुपए जीत लिए वे, क्योंकि तुमने कितने भी पैसे अपने माँ बाप को दे दिए, ये हमेशा कम पड़ेंगे उस 1 लाख से जो तुमने अपने माँ के पेट पे मारी है, ये हमेशा कम पड़ेंगे उस बाप के ड्रीम से जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ दिया।